पिछले कुछ दिनों से शहर में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चोरों ने बीती रात दो दुकानों में वारदात को अंजाम देकर लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की घड़ियां और मोबाइल फोन चुरा लिए। खास बात यह रही कि दोनों ही वारदातें क्लॉक टावर थाना इलाके के स्टेशन रोड पर अंजाम दी गई। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत स्टेशन रोड पर कोहिनूर वॉच और मार्टिनडल ब्रिज के निकट टू मिनट्स नामक प्रतिष्ठान पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही दुकानों में वारदात का तरीका लगभग एक जैसा ही था। चोरों ने दुकानों के शटर को ऊंचा कर अंदर प्रवेश किया और सिर्फ कीमती घड़ियां और मोबाइल फोन पर ही हाथ साफ किया। कोहिनूर वॉच से चोरों ने लगभग 9 लाख रुपए की कीमती घड़ियां चुराई, जबकि टू मिनट्स नामक दुकान से चोरों ने 40 लाख रुपए से अधिक की कीमती घड़ी और मोबाइल फोन चुरा लिए। क्लॉक टावर थाना प्रभारी रमेंद्र हाड़ा और एएसपी अवनीश कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर फिंगरप्रिंट भी उठवाए। सुबह अब हमारे पास वाले ने खबर करी और शटर के देखा तो शटर पूरा टेढ़ा हो रहा है और जो बीच का लॉक है वो भी खुला हुआ था और अंदर जो कांच का लॉक है वो भी पूरा खुला हुआ था। अंदर घुसे तो सब महंगी से महंगी घड़ियां जो हमारी थी करीबन 35-40 लाख रुपए का माल जो है हमारा ले गए हैं। उससे पहले भी हमारे यहाँ चोरी हुई थी लेकिन उसका कोई नहीं है। पुलिस के आगे हमारा कोई पुलिस का कोई गश्त नहीं है, कोई ये नहीं है। अजमेर में कोई सेफ्टी नहीं है। पूरा अजमेर में आए दिन चोरियां होती रहती है लेकिन किसी का मालूम नहीं पड़ता। हमारे पहले तीन बार चोरियां हो चुकी है लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला। और ये बिल्कुल स्टेशन रोड मेन रोड पे बसते हुए चलते हुए रोड पे न कोई गश्त है न कोई क्या है। और वो कहते हैं कि सिग्मा और ये मोटरसाइकिल चलती है, कोई आराम से किसी ने आके शटर टेढ़ा किया है, उसको घंटा दो घंटा लगा होगा, किसी ने कोई आके मतलब जो है उसको चेक नहीं किया है। और मेन रोड पे स्टेशन रोड पे यहाँ चलते हुए बसते हुए रोड पे ये वारदात हो गई है और इससे पहले भी वारदातें हुई है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है न कोई चोर पकड़ते हैं। इंश्योरेंस वाले हमारे को जो भटका के 10% भी माल नहीं देते हैं और हम परेशान हो गए हैं अजमेर के इस शहर से और बहुत हमारे को दुखी हो गए हैं। कल रात को मैं दुकान 9 बजे मंगल करके गया, सुबह को फोन आया पड़ोसी का 9:15 बजे, भाई तुम्हारे शटर टेढ़ा हो रहा है। आया तो देखा कि पहले पुलिस को बुला के फिर खोला शटर, ताले लगे हुए थे लेकिन बीच में शटर टेढ़ा था और देख के हैरान हो गए कि सारी घड़ियाँ प्रीमियम घड़ियाँ सारी लेके करीब 11.25 लाख का नुकसान हुआ है, 4800 कैश गई है। और जबकि ये सेंटर में मैं स्टेशन रोड का अध्यक्ष हूँ, बिल्कुल बीच सेंटर में क्लॉक टावर सामने, पीछे बैंक की चेस्ट 8 गार्ड रहते हैं, पास में CRPF का दफ्तर है RPF का, उसके बावजूद भी चलता हुआ रोड। और अजमेर सिटी को आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, इस तरीके से दुकान को ही उखाड़ दो। पहले 8 साल पहले हुई थी ये बीच वाले शटर, 6 महीने पहले आए थे हमारे पास लेकिन कामयाब नहीं गए। अब ये कामयाब चले गए, पूरी प्रीमियम घड़ियां ले गए, सारी महंगी घड़ियां ले गए, उसके बावजूद अब देखो करीब 11 लाख का नुकसान हुआ है। बीती रात को बहुत बड़ी इनके यहाँ वारदात चोरों द्वारा की गई है जिसके अंदर कम से कम 11-12 लाख रुपए करीब इनका नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन से स्टेशन रोड व्यापारिक संघ की तरफ से कहना चाहता हूँ कि आपका संबंधित थाना पास में है, RPF का यहाँ पे है बिल्कुल लगा हुआ, पीछे बैंक ऑफ बड़ौदे की चेस्ट गार्ड है और यहाँ पे बैठे रहते हैं और चलता हुआ रोड है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी अंजाम होना, ये शहर कहाँ जाएगा, व्यापारी कहाँ सुरक्षित है। गश्ते तो ये कहते हैं हमारे समय पे लगाते हैं लेकिन ये कहाँ लगाते हैं और किसको चेक करते हैं, किसको देखते हैं, ये किसी को पता नहीं है। दूसरा, यहाँ नशे का कारोबार अजमेर शहर के अंदर इतना बड़ा बन गया है कि नशेड़ी जो है दुकानों के बाहर आके पड़ जाते हैं, जिनको सिक्योरिटी गार्ड हटाने की कोशिश करता है तो हटते नहीं है और वही लोग यहाँ आके अंजाम दे जाते हैं, जिसमें हम रिपोर्ट भी करते हैं कि इन लोगों को पकड़ के हटाया जाए, शहर से बेदखल किया जाए, ये कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो लोग इतने बड़े अंजाम कर जाते हैं। एक ही रात में दो दुकानों से 50 लाख से अधिक की चोरी से व्यापारियों में भय का वातावरण पैदा हो गया। व्यापारियों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से अजमेर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। ये बीती रात को दो वारदातें हुई है शहर में, जिसमें मुख्य रूप से घड़ी के जो शोरूम है उनमें ये जो वारदातें हुई है, शटर को ऊंचा करके और इनमें से कीमती घड़ियां चुराई गई हैं। इस संबंध में पुलिस अपने प्रयास कर रही है, फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में जैसी भी स्थिति होगी हमारी विशेष टीम इसमें काम कर रही है और शीघ्र ही इसको खोलने का प्रयास कर रही है। आज रात्रि को स्टेशन रोड के पर दो जो घड़ियों की शॉप्स हैं वहाँ पे वारदात हुई है और उस वारदात के अंदर काफ़ी जो एक्सपेंसिव वॉचेस हैं उनको चुरा लिया गया है, तो उस पर हमने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है।
FSL की टीम और MOB टीम को हमने मौके पर बुलाया है। मौके के हम जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एहतियात है वो बरतते हुए इसमें कोशिश करेंगे कि इन वारदातों का खुलासा हो। सर प्रारंभिक कितनी, अभी जब तक रिपोर्ट्स में फाइनली एनालिसिस नहीं करते तब तक ये कहना मतलब गलत हुआ कि कितनी वॉचेस गई हैं। क्या कुछ गैंग का कुछ कोशिश की जा रही है कि BTS के आधार पर अगर जो भी कोई गैंग का खुलासा होता तो उसका फॉलोअप किया जाएगा। किस तरह इन्होंने वारदात को अंजाम दिया? शटर को ऊंचा करके और उसके थ्रू अंदर एंटर करके उसके बाद जो वॉचेस थी उनको चुराया गया।